तो आज की इस वीडियो हम लोग यहाँ पर सुपर एट के यहाँ पर दो मैच के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। नंबर वन तो आप लोगों को पता होगा इंडिया और अफगानिस्तान का मैच था ना, उसमें यहाँ पर तो इंडिया ने अफगानिस्तान को 47 रनों से हरा दिया। और यहाँ पर जो दूसरा मैच था ना बांग्लादेश और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का, तो वो भी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है 28 रनों से, मतलब कि वो मैं आपको बताऊँगा किस तरह से। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर पहले मैच की बात करूँ ना, तो अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया ने यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर 181 रन बनाए थे, जिसमें कि अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पर जो सूर्य कुमार यादव है ना, उन्होंने यहाँ पर ताबड़तोड़ यहाँ पर बल्लेबाजी की और 28 बॉलों पर 53 रन बनाए। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अफगानिस्तान की बॉलिंग की बात करूँ ना, तो यहाँ पर जो फारूकी है ना, उन्होंने इस मैच में भी यहाँ पर 3 विकेट लिए। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलरों में अभी भी बने हुए, मतलब कि उनके यहाँ पर टोटल 15 विकेट हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अफगानिस्तान की बैटिंग की, तो उसमें यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर 134 रन ही सिर्फ बनाए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इंडिया की बॉलिंग की, तो यहाँ पर जो अर्शदीप है, उन्होंने यहाँ पर 4 ओवर में 3 विकेट लिए, यहाँ पर 36 रन देकर। और यहाँ पर जो जसप्रीत बुमराह है ना, उन्होंने 4 ओवर सिर्फ और सिर्फ 7 रन दिए और यहाँ पर 3 विकेट भी लिए। और यहाँ पर इजिली यहाँ पर इंडिया मैच जीत गया। और यहाँ पर जो अगला मैच इंडिया का होने वाला है ना, वो बांग्लादेश से होने वाला है यहाँ पर 22 जून को शाम 8 बजे से। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस मैच के, यहाँ पर जो दूसरा मैच था मतलब आज का, तो यहाँ पर बांग्लादेश ने यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 140 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर। तो इसमें यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कोई खास नहीं चला। संतो और हरिद्वार ने जरूर यहाँ पर थोड़े बहुत रन बनाए, मतलब कि 40-41 रन बनाए इन्होंने, और यहाँ पर 140 रन ही बना पाई। और यहाँ पर जो पैट कमिंस है ना, T20 वर्ल्ड कप 2024 के यहाँ पर पहली हैट्रिक अपने नाम कर ली। तो उन्होंने यहाँ पर पहले तो 18वें ओवर की लास्ट की 2 बॉलों पर यहाँ पर विकेट ली, फिर यहाँ पर जो यहाँ पर 20वां ओवर करने आए ना, तो उसमें यहाँ पर पहली बॉल पर विकेट ले ली और यहाँ पर हैट्रिक अपने नाम कर ली। और यहाँ पर जो है ना, मतलब कि उन्होंने यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 141 रनों का यहाँ पर चेज कर रही थी, उन्होंने यहाँ पर 100 रन बना लिए थे। और यहाँ पर जो डेविड वार्नर है ना, वो यहाँ पर 53 रनों पर खेल रहे थे यहाँ पर 35 बॉलों पर। और यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती और यहाँ पर मैच पूरा नहीं हो पाता। और यहाँ पर DLS मेथड के थ्रू ना, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया को 28 रनों से जीत दे दी जाती है। रिशाद हुसैन ने जरूर यहाँ पर 2 विकेट लिए। और यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर कोई भी बॉलर, मतलब कि कोई भी इतना कोई खास कुछ भी नहीं कर पाया। और यहाँ पर बांग्लादेश इस मैच को, यहाँ पर पहले मैच को हार गई। और बांग्लादेश का जो दूसरा मैच है ना, जैसे मैंने बताया कि इंडिया के खिलाफ होने वाला है 22 जून को। और यहाँ पर देखते हैं कि सुपर 8 में यहाँ पर आगे क्या होने वाला है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।